बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। बड़े सिंपल से प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों ने जो आर्टिकल की वीडियो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो देखा है, तो ये क्वेश्चंस करते हुए कोई मसला नहीं है कि इसमें ये देखें, हमने वहाँ पर आर्टिकल के अंदर बात की थी कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने फिक्स कंसिडर किया या उसको इनर्शियल जो है वो कंसिडर किया, और स्मॉल एक्स वाई को हम जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि मूविंग है, और उसके हवाले से ये हमें गिवन है कि एन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव्स विद एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। रिलेटिवली फिक्स्ड आर द इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग द सेम ओरिजिन। एक तो ये है स्टूडेंट्स के हमें अब क्या गिवन है, जो वैल्यूज गिवन हैं उनको हम जो है वो लिखते जाएंगे। गिवन ये है कि ओमेगा किसके इक्वल है? ओमेगा इज इक्वल टू टू आई माइनस 3j प्लस 5k है, ये हमें जो है वो गिवन है। फिर वो कहता है कि इफ ए वेक्टर रिलेटिव टू स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बाय दिस, ठीक है। अब उसने एक वेक्टर दे दिया है a, वो किसके इक्वल है? साइन ऑफ टी आई माइनस कॉस टी जे प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी के, ये हमारे पास जो है वो ए है। वो कहता है इन दो की जो है वो वैल्यूज फाइंड करो, किस किस की? डी ए ओवर डी टी रिलेटिव टू द फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू द मूविंग जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमने जो है वो क्या करनी है, इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप जो है वो फार्मूला जो हमने पढ़ा था उसको देखें, तो हमारे पास ए के लिए जो है वो पार्ट ए जो है हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? डी ए ओवर डी टी फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड, ठीक है। और बी में हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? बी में हम फाइंड करना चाहते हैं डी ए ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग, ये हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो इस ए के लिए क्या था कि डी ए ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड इज इक्वल टू डी ए ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग प्लस ओमेगा क्रॉस ए, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। इसका मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड करना है? डी ए ओवर डी टी ये जो है वो मूविंग के लिए फाइंड करना है। ये जो डी ए ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग, ये बेसिकली डी ए ओवर डी टी के इक्वल ही होता है। जस्ट हमने ए का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी यानी कि डी ओवर डी टी ऑफ ए, ए हमारे पास किसके इक्वल है? साइन ऑफ टी आई माइनस कॉज ऑफ टी जे प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी के, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। साइन ऑफ टी आई माइनस कॉज ऑफ टी जे प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी के। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, साइन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? कॉज टी के इक्वल होता है। कॉज और साथ क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। फिर कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो प्लस साइन टी जे आ जाएगा, और ये e रेज टू पावर माइनस टी माइनस वन और साथ जो है वो क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डी ए ओवर डी टी मूविंग, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करना है? दूसरी टर्म हमें जो फाइंड करनी है फिक्स्ड के लिए वो ओमेगा क्रॉस a है। वो क्या है? ओमेगा क्रॉस ए है। अभी हमने जो फाइंड किया है वो किसके डी ए ओवर डी टी था। अब ओमेगा क्रॉस ए फाइंड करने के लिए
हमारे पास दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं, डिटरमिनेंट से हम इसको फाइंड कर लेते हैं, ये आई जे और के है। ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 माइनस 3 5 2 माइनस 3 5, और ए जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज ए इज साइन ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ टी और ई रेज टू पावर माइनस टी। ये हमारे पास ए है। अब हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओपन करते हैं, आई लिखें तो ये डिटरमिनेंट लिखा जाएगा, माइनस जे लिखें तो फिर डिटरमिनेंट लिखा जाएगा, प्लस के लिखें तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो 2/2 का डिटरमिनेंट आ जाएगा इसके मुताबिक। अब आई है तो ये आपके पास आएगा माइनस 3 5 माइनस कॉज टी ई रेज टू पावर माइनस टी आ गया। फिर माइनस जे है तो 2 5 2 5 साइन ऑफ टी और e raised to power minus t आ गया। फिर k के लिए क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3 और साइन ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ टी आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस a की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो i जो है ये हमारे पास आएगा माइनस 3 e raised to power minus t प्लस 5 cos of t, माइनस j ये क्या आएगा, 2 e raised to power minus 2t minus t माइनस 5 sin t आ जाएगा, माइनस 5 sin t आ जाएगा। फिर प्लस k जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 2 cos t प्लस 3 sin t आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा क्रॉस a आ गया। ये क्या है, ओमेगा क्रॉस a है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा ये देखो, b पार्ट हमारे पास सॉल्व्ड है, वो क्या कि बी पार्ट में बेसिकली हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, तो ये मूविंग के हवाले से जो है ये क्लियर है, हम जो है वो फिक्स के हवाले से जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको फाइंड कर रहे हैं। अब जस्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ जो हैं उसको जो है वो रिप्लेस कर देना है। इसके अंदर क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो बी ए ओवर बी टी है फिक्स के हवाले से, कॉज ऑफ टी आई प्लस साइन ऑफ टी जे माइनस ई टू पावर माइनस टी ऑफ के आ गया। इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे, वो क्या है, प्लस माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस 5 cos of t आई माइनस जे 2 e raised to power minus t माइनस 5 sin t प्लस के माइनस 2 cos t प्लस 3 sin t आई। ये हमारे पास आ गया डी ए ओवर डी टी। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। डी ए ओवर डी टी ये किसके इक्वल आएगा, इसमें आई कॉमन आएगा तो ये बनेगा कॉस टी माइनस थ्री ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस 5 cos t साथ आई आ जाएगा। ठीक है, तो ए के लिए प्लस साइन टी माइनस 2 e raised to power minus t प्लस 5 sin t और साथ जो है क्या आएगा, ये आएगा। फिर प्लस k के लिए जो है वो हमारे पास क्या आएगा, प्लस k के लिए आएगा माइनस e raised to power minus t और माइनस 2 cos t प्लस 3 ये आएगा।
अब हमने क्या करना है, इसमें मजीद जो है वैल्यू को ये क्या बनेगा, तो ये जो हमारे पास ई ए ओवर डी टी किसका है, दैट इज ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये सिक्स कॉस टी हो जाएगा माइनस थ्री ई ए की पावर माइनस थ्री आएगा, फिर प्लस सिक्स साइन टी माइनस टू ई ए की पावर माइनस थ्री, इसके साथ क्या आएगा, फिर हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास इधर के भी है, ठीक है, तो ई रेज टू पावर इसको पहले लिख लें, थ्री प्लस थ्री साइन टी माइनस टू कॉस टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी, और इसके साथ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आ गया है, और इसका विद रिस्पेक्ट टू मूविंग जो है वो ये वाला था जो कि हमने वैल्यू जो है वो पुट की है, तो ये इसका जो है वो बी पार्ट था। अगर हम इसके अंदर हम ये वाली टर्म ऐड ना करें ओमेगा क्रॉस आर को, ये जो हम ओमेगा क्रॉस आर को जो है वो ऐड कर रहे हैं, उससे जो है ये विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड आ जाता है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी थी। अब इसी क्वेश्चन को जो है वो यूज़ करते हुए अगले क्वेश्चन की वो बात कर रहे हैं उसको हम फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6.28 है जो कि 6.27 की कंटिन्यूटी में है, उसी के डेटे को ही वो कहता है यूज़ करें, तो फाइंड डी टू ए ओवर डी टी स्केयर फाइंड करें, डी टू ए ओवर यानी कि एक्सेलरेशन की जो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है वो फाइंड करें फॉर दी वैक्टर ए ऑफ प्रॉब्लम 6.27 रिलेटिव टू दी फिक्स्ड सिस्टम एंड मूविंग सिस्टम। और उसके लिए जो डाटा गिवन था वो ये वाला गिवन था, इसी डाटा को हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें ये जो हमारे पास है डी टू ए ओवर डी टी स्केयर मूविंग, यानी कि सबसे पहले हम बी पार्ट को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन क्या है, ए गिवन है ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू है टू आई सॉरी ए किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू साइन टी आई माइनस कॉस टी जे, साइन टी आई माइनस कॉस टी जे प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी के है, ठीक है। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डी ए ओवर डी टी, वो क्या बन जाएगा, कॉस टी आई प्लस साइन टी जे माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी के। फिर हम क्या करते हैं, इसका एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो क्या आएगा डी टू ए ओवर डी टी स्केयर, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी के, और ये किसके ऊपर है, ये मूविंग के लिए है, तो एक्सेलरेशन मूविंग के लिए ये हमारे पास आ गया, और इसको आगे हमने जो है वो यूज़ भी करना है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ डी टू ए ओवर डी टी स्केयर मूविंग के लिए हमारे पास आ गया माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी के, ये वैल्यू आ गई है मूविंग के लिए, और ये वैल्यू भी हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, तो एक वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली। अच्छा, इसके बाद जो है वो अब फिक्स्ड के लिए फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली कितनी वैल्यूज़ चाहिए, ये एक दो तीन और चार, ये वाली वैल्यूज़ चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं, अब हमें गिवन क्या है, ओमेगा किसके इक्वल गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू टू आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ओमेगा ओवर डी टी, अब इसमें क्योंकि टी मौजूद ही नहीं है तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो इस तरह डी ओमेगा ओवर डी टी मूविंग
क्रॉस ए ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी अगर हमें वैल्यू चाहिए तो इसको भी हम इधर लिख लेते हैं, डी ओमेगा ओवर डी टी मूविंग क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अच्छा, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए वो ये है टू ओमेगा क्रॉस डी ए ओवर डी टी। अच्छा, अब यहां पे ये डी ए ओवर डी टी हमारे पास मौजूद है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका डी ओमेगा क्रॉस डी ए ओवर डी टी मूविंग ये फाइंड कर लेते हैं, आई जे के ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 2 - 3 - 5 और डी ए ओवर डी टी की वैल्यू क्या आई है, ये हमारे पास कॉस टी साइन टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको जो है वो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करो तो आई ये बनेगा 3e⁻⁻ माइनस 5 साइन ऑफ टी, फिर माइनस जे ये क्या आएगा, ये डिलीट हो जाएगा तो माइनस 2e⁻⁻ माइनस 5 कॉस टी आ जाएगा, फिर प्लस के ये क्या बनेगा 2 साइन टी प्लस 3 कॉस टी आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्रॉस डी ए ओवर डी टी। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और मैं इधर जो है वो इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ क्योंकि आगे हमें इसको जो है वो क्या करना है, यूज करना है। ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, या चलें ऐसे ही लिख लें, ओमेगा क्रॉस डी ए ओवर डी टी मूविंग, ये हमारा जो है वो किसके इक्वल आया है, दैट इज इक्वल टू 3e⁻⁻ माइनस 5 साइन टी आई। ठीक है जी, फिर माइनस में बाहर कॉमन ले लूं तो प्लस 2e⁻⁻ प्लस 5 कॉस टी जे प्लस ये क्या आ जाएगा 2 साइन टी प्लस 3 कॉस टी और इसके साथ क्या आ जाएगा, ये के आ जाएगा। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यूज चाहिए ओमेगा क्रॉस ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओमेगा क्रॉस ए की वैल्यू जो है वो चाहिए। अब ओमेगा क्रॉस ए ये आएगा आई जे के ओमेगा 2 - 3 - 5 और इसकी वैल्यू है साइन टी माइनस कॉस टी ई रेज टू पावर माइनस टी, इसका डिटर्मिनेंट। अब आई अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा, माइनस 3e⁻⁻ प्लस 5 कॉस टी माइनस जे ये क्या आएगा 2e⁻⁻ माइनस 5 साइन टी, फिर प्लस के ये आएगा माइनस 2 कॉस टी प्लस 3 साइन टी। अच्छा, फिर हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ओमेगा क्रॉस ए, ये फिर क्या आ जाएगा आई जे के। अब आई क्या है, दैट इज माइनस 3 ओमेगा पहले लिखना है हमने, ओमेगा की वैल्यू है 2 - 3 - 5 और इसकी वैल्यू क्या है, ए की
ये मेगा क्रॉस ए की, ये है माइनस थ्री ई रेस टू पावर माइनस टी प्लस फाइव कॉस टी, फिर ये आ जाएगा माइनस टू ई रेस टू पावर माइनस टी प्लस फाइव साइन टी, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टू कॉस टी प्लस थ्री साइन टी, और इसका डिटरमिनेंट हम जो है वो क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ये फिर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ये आई इन टू, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो ये माइनस थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिक्स कॉस टी माइनस नाइन साइन टी, फिर प्लस टेन ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस ट्वेंटी फाइव साइन टी, ठीक है जी। फिर माइनस जे आएगा और ये बनेगा माइनस फोर कॉस टी प्लस सिक्स साइन टी, फिर ये जो है वो आएगा फिफ्टीन ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव कॉस टी, फिर प्लस के, ये आएगा स्टूडेंट्स के के लिए ये डिलीट हो जाएगा, तो माइनस फोर ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस टेन साइन टी, फिर ये प्लस में तो ये माइनस आएगा माइनस नाइन ई रेज टू पावर माइनस टी नाइन ई रेज टू पावर माइनस टी, और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस फिफ्टीन कॉस टी। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स इसका जो है वो वेक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को बेसिकली पुट करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा डी ए ओवर डी टी स्क्वेयर। तो ये डी टू ए ओवर डी टी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल आएगा, डी टू ए ओवर डी टी स्क्वेयर फिक्स्ड मूविंग के लिए ये आया है माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी के आ गया। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या आई है, प्लस जीरो वेक्टर प्लस टू टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू आएगी, वो क्या है, दैट इज़ अगर ये भी स्टूडेंट्स मैं टू से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूं, तो ये क्या लिखा जाएगा, सिक्स ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस टेन साइन टी और साथ आई आ जाएगा। इसी तरह प्लस फोर ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस टेन, और ये वैल्यूज हम पुट कर चुके हैं, इनको अब हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 4t प्लस 10 cos t और साथ जो है वो j आ जाएगा। इसी तरह प्लस 4 sin t प्लस 6 cos t और साथ k आ जाएगा। ये वैल्यू भी स्टूडेंट्स अब जो है वो रिप्लेस हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये वाली ओमेगा क्रॉस ए, ये वैल्यू है, इसको अब हमने रिप्लेस कर देना है प्लस, इसमें अगर कोई सिंप्लीफिकेशन है तो वो पहले कर लेते हैं। ये बनेगा सिक्स कॉस टी माइनस ये 25, तो ये कितना बनेगा माइनस 34 साइन टी, 34 साइन टी प्लस 10 ई रेज टू पावर माइनस टी आई आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके जो है वो लिख रहा हूँ, और ये जो कॉस टी है ये इसके अंदर ऐड होके ये कितना बनेगा माइनस 29 और ये प्लस 29 कॉस टी आ गया, माइनस सिक्स
साइन टी आ गया माइनस 15 ई रेज टू पावर माइनस टी और साथ जो है वो क्या आएगा जे आएगा। फिर हमने लिखना है स्टूडेंट्स के और इसमें ये आपस में ऐड होके 5 ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस 10 सॉरी ये 5 नहीं होगा ये माइनस इसके साथ है ये वाला माइनस इधर आ रहा है तो ये माइनस 13 होगा। ये क्या होगा माइनस 13 होगा। मैं क्या लिखता हूँ पहले इसको लिख लेता हूँ ये 10 साइन टी प्लस 15 कॉस टी माइनस 13 ई रेज टू पावर माइनस टी और इसके साथ हम लिख लेते हैं के। तो ये वैल्यूज स्टूडेंट्स हमने क्या कर दी इसमें रिप्लेस कर दी हैं इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है। अब ये क्या बना दिस इज इक्वल टू अब आई को अलग करना है हमने ठीक है आई वाले एलिमेंट्स में लिखने लगा हूँ माइनस साइन टी ये आ गया फिर ये है प्लस 6 ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस 10 साइन टी ये आएगी लिखनी क्वांटिटीज प्लस 6 कॉस टी माइनस 34 साइन टी प्लस 10 ई रेज टू पावर माइनस टी और इसके साथ जो है वो आई आ जाएगा। फिर जे वाली लिखनी है प्लस कॉस टी प्लस 4 ई रेज टू पावर माइनस टी 10 कॉस टी प्लस 29 कॉस टी माइनस 6 साइन टी माइनस 15 ई रेज टू पावर माइनस टी और इसके साथ हम जे लिख लेंगे। फिर हमने लिखना है प्लस के के वाली टर्म्स लिखेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस टी वो लिखा जाएगा प्लस 4 साइन टी प्लस 6 कॉस टी प्लस 10 साइन टी 15 कॉस टी माइनस 13 ई रेज टू पावर माइनस टी और इसके साथ जो है वो के लिखा जाएगा। अब हमने करना क्या है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करें तो ये स्टूडेंट्स 6 ई रेज टू पावर टी और ये जो 10 ई रेज टू पावर टी है ये बनेगा 16 ई रेज टू पावर माइनस टी और इसी तरह ये जो साइन है माइनस साइन टी माइनस 11 और माइनस 45 हो जाएगा माइनस 45 साइन टी प्लस 6 कॉस टी और साथ आई आ जाएगा। इसी तरह जो है वो इसको हम अगर हम करें अच्छा फिर प्लस इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो ये बनेगा 29 और ये 39 और ये बन जाएगा 40 कॉस टी और ये बनेगा माइनस 6 साइन टी और माइनस 11 ई रेज टू पावर माइनस टी और इसके साथ आ जाएगा जे 40 माइनस 6 माइनस 11। अच्छा इसके बाद आना है के तो प्लस के लिए जो है वो अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास साइन जो बनते हैं 4 और 10 कितने हो जाएंगे 14 साइन टी कॉस के लिए क्या आएगा 21 कॉस टी और ये माइनस 13 और ये माइनस 12 ई रेज टू पावर माइनस टी और इसके साथ क्या आ जाएगा ये के आ जाएगा। आप लोग जो है वो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि ये लास्ट के अंदर जो है ये इसमें थोड़ी सी कहीं कैलकुलेशन के अंदर जो है वो कोई गलती है थोड़ी सी साइन की कोई गलती हो गई होगी या किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। बहरहाल ये है कि ये हमारे पास मेथड है कि हमने अगर जो है वो फिक्स्ड एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इन चार क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट करना होगा तो हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।